Hey students, welcome back to our channel. Today we are going to start our next part for electrostatic potential and capacitances. इस वीडियो का हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैपेसिटर और उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगे. उससे रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स पहले जान लेनी है ताकि हम कैपेसिटर के जो प्रॉपर्टीज हैं और जो वर्किंग है उसे समझ सके. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडक्टर. इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडक्टर का मतलब है एक कंडक्टर की क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं. कुछ हमने पहले भी देखी है, लेट्स रिवाइज देम. फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखी थी, देयर कैन बी एनी एक्सेस चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर. इसका क्या मतलब है? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो कंडक्टर है, चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, सिर्फ उसके सरफेस पे रह सकता है. तो पहला पॉइंट क्या है, देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेस चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर. अगर एक कंडक्टर है तो उसके अंदर ऐसा कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता. आप उस कंडक्टर को जितना भी चार्ज देंगे, उस सारे चार्ज को खुद को कहां अलाइन करना होगा? ओनली ऑन सरफेस, राइट? ये आपका पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इसी की एक्सटेंशन, देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर. इसका क्या मतलब है? हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है. कोई चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? नो. चार्ज कहाँ है? सरफेस पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? सरफेस पे. अगर चार्ज यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सरफेस से ही स्टार्ट होगा. तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो, राइट? सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसकी एक्सटेंशन, ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है. थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर. क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? कोई भी जो कंडक्टर की सरफेस है, ये कंडक्टर की सरफेस है. एट एनी पॉइंट अगर हमें डायरेक्शन देखना है तो कैसे देखा जाता है? मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट ए पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, लेट्स से पॉइंट बी पे चाहिए, पॉइंट सी पे चाहिए, पॉइंट डी पे डायरेक्शन चाहिए. हम चार पॉइंट्स पे डायरेक्शन निकालते हैं. डायरेक्शन हमेशा क्या होगी इस पॉइंट पे? टेंजेंट एट दिस पॉइंट. अगर आपको एक सर्कल में डायरेक्शन पता करनी होती है किसी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करते हैं, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी जब सर्कुलर मोशन होता है तो एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू द पॉइंट. तो इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या हुई? यहां पर टेंजेंट. इस पॉइंट की यहां पर टेंजेंट. इस पॉइंट की डायरेक्शन यहां पर टेंजेंट. तो ये सरफेस की डायरेक्शन हमने चार पॉइंट पे दिखाई है. अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट पे भी दिखाएंगे तो वो टेंजेंट टू द पॉइंट ही होगी. अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? आउटवर्ड 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 एंड आउटवर्ड. अगर हम पूरा भी ड्रॉ करें तो ये पिक्चर आएगी. तो हमने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के नॉर्मल है, 90 डिग्री बनाएंगे. इन एवरी केस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर. क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट,
फोर्थ पॉइंट, इसके लिए आप ये समझिए पोटेंशियल वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा. लेट्स यूज दिस डायग्राम अगेन. मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिसके सरफेस पे कुछ चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये सरफेस, यहां पर कुछ चार्ज, इस चार्ज की वजह से हमें करना पड़ेगा ये कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब अगर हम कोई चार्ज इसकी पेरिफेरी में लाते हैं तो हमने अभी अपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क पोटेंशियल के फॉर्म में इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा. लेट्स से मैंने इस चार्ज को यहां तक मूव किया, थोड़ा सा काम किया, कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ. इस पॉइंट तक लाने में, पॉइंट ए तक लाने में कम काम करना पड़ा तो पोटेंशियल कम डेवलप होगा. वी ए कम है किससे, वी बी से. और आगे तक लाऊंगी, सी पॉइंट तक लाऊंगी तो और काम करना पड़ेगा. ऐसे जैसे जैसे मैं यहां तक आती जाऊंगी पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा. सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, सरफेस पे. लेट्स से दिस पोटेंशियल इज वी, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी. इस पॉइंट का पोटेंशियल वी. वाई, बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. आर कॉन्स्टेंट है ना, सरफेस के सभी पॉइंट्स के लिए आर सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, जिसको हमने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हमने कहा था कि किसी स्फीयर के सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होने वाला है. अब इसके अंदर की बात करते हैं. यहां तक तो पोटेंशियल वी डेवलप हो गया, चार्ज यहां तक आ गया. अब मैं चार्ज को अंदर लेके जा रही हूं तो यहां से सरफेस से अंदर ले जाने के लिए क्या मुझे कोई काम करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि काम किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के. अभी हमने पहले पॉइंट में देखा कि अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. अगर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मुझे कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो कोई पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होगा. यानी कि ये जो पोटेंशियल है ये सरफेस पे भी यही रहेगा, अंदर भी यही रहेगा. आप कितना भी अंदर चले जाओ, सेंटर में चले जाओ, सब जगह पोटेंशियल वी ही रहेगा. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम. राइट, सरफेस पे भी वी रहेगा और वॉल्यूम में भी वी ही रहेगा. इस पॉइंट को आप लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम यूज करेंगे इस पॉइंट्स को अपने फर्दर कंसेप्ट में. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. फोर पॉइंट्स हुए हैं हमारे अभी इसमें. लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर फाइव. पॉइंट फाइव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सरफेस इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ. फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ के हमने एप्लीकेशंस जब पढ़े थे तो हमने ये निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर किसी चार्ज सरफेस की अगर आप बात करते हैं, लेट्स से दिस इज अ चार्ज सरफेस, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज मैथमेटिकली इक्वल्स टू Q by A, चार्ज पर यूनिट एरिया. राइट, नेक्स्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग. स्टेटिक शील्डिंग,
जो हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है, सिर्फ नाम उसको अलग हमने दिया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग स्टेट्स दैट कोई भी कंडक्टर में अगर कैविटी है तो डजंट मैटर आपने कंडक्टर को कितना चार्ज दिया है बाहर, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा. इसका मतलब है कि अगर ये आपका एक कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी फ्री स्पेस, खाली जगह है, होल है एक उसमें, डजंट मैटर आपने उस कंडक्टर को कितना हैवी चार्ज दिया हुआ है, वी नो वन थिंग दैट अंदर कोई चार्ज नहीं है, और अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो. और अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, E equals to sigma upon epsilon naught. If E is equals to zero, then definitely sigma is also equals to zero. तो ये sigma भी हो गया zero. तो इसको कह रहे हैं electrostatic shielding, यानी कि यहाँ पर electric field और charge density नहीं होगा. चाहे आप कितना भी heavy conductor ले लीजिए, अगर उसके अंदर cavity है तो cavity में electric field और charge density आपकी zero होने वाली है. ठीक है, ये छह point है जो एक कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर को बताते हैं. इन्हें यूज करेंगे हम आगे. उससे पहले दो टर्म और डिफाइन करेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन. फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट. नाउ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? इट इज अ नॉन कंडक्टिंग non-conducting material. Second thing, non-conducting क्यों है? कोई चीज conducting या non-conducting क्यों होती है? जिसके पास charge carrier है वो conduct करेगा, जिसके पास charge carrier नहीं है वो conduct नहीं करेगा. तो इसके पास charge carrier नहीं है, इसका मतलब no free charge carrier. व्हाट हैपेंस अगर कोई कंडक्टर है, लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हैं, लेट्स से दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये मूव कर रहे हैं रैंडमली, ये यहां जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं भी रैंडम मूव कर रहे हैं. जब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं तो ऑब्वियसली कोई करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा. नॉर्मली एक कंडक्टर अगर पड़ा हुआ है तो आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री हैं, बट दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन एंड दे आर मेकिंग कोलिजंस, तो इसलिए उनके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, अगर आपने इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, आपने इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, लेट्स से जो बैटरी आप लगा देते हैं किसी कंडक्टर पे, किसी वायर में अगर बैटरी लगा दो फिर करंट चलेगा. तो इस क्या वो करंट क्यों चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं. ये सभी इलेक्ट्रॉन प्लस से खुद को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव के पास जाने की कोशिश करेंगे, तो सभी का डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा इस तरह से, दे विल अलाइन देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तब आपको एक नेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मिलेगा जिसकी वजह से करंट मिलता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो कंडक्टर का बिहेवियर था. अब अगर यही चीज डाइलेक्ट्रिक होती तो कैरियर्स फ्री नहीं है, लेकिन कैरियर्स है तो सबके पास ना, हर चीज एटम से बनी है और एटम से बनी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होना तय है. तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक होता तो इसमें चार्जेस होते प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, न्यूट्रल है, फ्री नहीं है चार्जेस, बट होते. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस पे अप्लाई करते तो ये फिर कैसे बिहेव करता? कोई तो इस पे भी इफेक्ट आता. तो वो इफेक्ट क्या आता कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता. बट क्योंकि इसके पास कैरियर नहीं है तो मूव तो ये नहीं कर पाते, बट खुद को ये पोलराइज कर लेते. पोलराइज करने का क्या मतलब है कि ये जो चार्ज अभी तक ऐसे था ये खुद को कैसे अलाइन कर लेगा? नेगेटिव इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा. ये चार्ज
फ्री नहीं है कहीं जाने के लिए, बट टेंड करेगा उस तरफ अपना मूवमेंट शो करने के लिए, राइट? दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. हमारी नेक्स्ट टर्म पोलराइजेशन. व्हाट इज पोलराइजेशन? इन द इफेक्ट ऑफ, इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक रीअरेंज देमसेल्फ in a way that they produces a dipole moment. Let's summarize this. क्या हुआ यहां पर? Dielectric एक non-conducting material है. Non-conducting इसलिए है क्योंकि इसके पास free charge carrier नहीं है. कंडक्टर का बिहेवियर है कि फ्री चार्ज कैरियर अगर उसके पास है और आप एक उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सभी एक नेट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेंगे. डायलेक्ट्रिक में फ्री चार्ज कैरियर तो नहीं है, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो खुद को अलाइन कर लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ. दिस इज नोन एज पोलराइजेशन. वाई पोलराइजेशन? बिकॉज हमने पढ़ा था, डाइपोल नाम की हमने एक चीज पढ़ी है जिसमें प्लस माइनस दो चार्ज होते हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, और जिसके प्रॉपर्टीज को डायपोल मोमेंट P रिप्रेजेंट करता है, एंड वेयर P इज इक्वल टू 2aq. तो यहां पर भी डायपोल जैसी एक चीज बन गई है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने पोलराइजेशन को डिफाइन किया है, इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल ऑफ अ डायलेक्ट्रिक रीअरेंज देमसेल्फ इन अ वे दैट दे प्रोड्यूसेस अ डायपोल मोमेंट. वो अपने आप को एक डायपोल की तरह रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? डेफिनेशन तो हमने देख ली डायलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन की. इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. कैसे होगा? ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था. अब इस अंदर वाले डायलेक्ट्रिक को अगर आप देखेंगे तो इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज इधर है और सारा नेगेटिव चार्ज इधर है. अंदर वाले डायलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो उसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव उधर है, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज की टेंडेंसी होती है हाई टू लोअर एक फील्ड प्रोड्यूस करने की. जैसे यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो यहां भी एक पॉजिटिव टू नेगेटिव डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश से मैं डिनोट कर रही हूं जो अंदर डेवलप हुआ है. तो वो ई डैश जो है वो इसके अपोजिट है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट इज इक्वल्स टू E माइनस ई डैश, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा डायलेक्ट्रिक की वजह से. तो हमारा यहां पे कंक्लूजन क्या है कि डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है. विल यूज दिस रिजल्ट, इसको ध्यान रखना है आपको. इफ वी इंट्रोड्यूस a dielectric in an electric field, then it reduces net electric field. Net electric field, right? इंपॉर्टेंट पॉइंट. पूरा कैपेसिटर का हमारा कंसेप्ट डिपेंड करता है इस पॉइंट पे, राइट? लेट्स स्टार्ट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. नाउ व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज एन अरेंजमेंट of
टू कंडक्टर्स हैविंग चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू. ये हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी कैपेसिटर के लिए. हैविंग चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लेट्स से डी. ओके इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स लेट्स से कंडक्टर वन कंडक्टर टू. अभी हम रैंडम बना रहे हैं इसको, कोई स्पेसिफिक अभी हम वो नहीं दे रहे हैं. चार्ज होता है एक पे. अब चार्ज है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा. चार्ज है दूसरे पे क्यू टू तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा. जनरली जो कन्फिग्रेशन हमने रखी है वहाँ पे अगर हम क्यू वन को क्यू लेते हैं तो क्यू टू को माइनस क्यू लेते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ वी इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू. दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस यानी टोटल अरेंजमेंट का जो पोटेंशियल है वो ये होगा वी वन माइनस वी टू. Now, Q is proportional to V, right? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल होगा. Q और V एक दूसरे के प्रपोर्शनल है क्योंकि जितना चार्ज होगा उतना ही वर्क डन करेंगे. जितना वर्क डन करेंगे उतना ही आपका पोटेंशियल डेवलप होगा. जब भी हम कोई प्रपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है. तो ये आपका इस केस में आया है C, बिकॉज हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो C से डिनोट किया. तो Q इक्वल्स टू सी वी. ये अरेंजमेंट जो है ये हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं. दीज आर दी कंडक्टर्स. उन पे कुछ चार्जेस होते हैं. जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर एक Q है तो दूसरा उसका अपोजिट. चार्जेस की वजह से वोल्टेज डेवलप होते हैं. दोनों पे कुछ वोल्टेज हैं जिनकी वजह से एक सिस्टम का पोटेंशियल डेवलप होता है. वो होता है वी वन माइनस वी टू यानी दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस. रिलेशन क्या है चार्ज और वोल्टेज में. जितना चार्ज उतना वोल्टेज. कांस्टेंट आया है क्यू इक्वल्स टू सी वी. इसको हटा देते हैं. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था. तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है कैपेसिटेंस का वो आया है क्यू बाय वी. सी इज द कैपेसिटेंस. सी इज द कैपेसिटेंस राइट. ये आपका डेफिनेशन हो गया. अब यहां से देखने वाली एक चीज ये है कि Q और V प्रोपोर्शनल है. अगर Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा. तो C तो कांस्टेंट रह गया ना. Q कम होगा तो V भी कम होगा. C अगेन कांस्टेंट. तो इसका मतलब C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V. C Q और V पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इंपॉर्टेंट. C is capacitance is independent of Q and V. Q और V पे capacitance depend नहीं करती है. तो अब करती किस पे है. Let's see. ये आपका डेफिनेशन हो गया और ये कैपेसिटेंस आपने फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव किया जिसको हमें आगे यूज करना है. और आपने इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या लिया सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी. नाउ लेट्स सी कि ये सी जो है कैपेसिटेंस जो है ये किस पे डिपेंड करता है. तो इसके लिए हम एक मोर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर लेंगे कैपेसिटर का. इसे ध्यान से देखेंगे आप. ये मैंने कंडक्टर बन लिया. इससे डी डिस्टेंस पे एक कंडक्टर टू लिया है. लेट्स से इसको प्लस चार्ज दिया. टोटल चार्ज कितना है इसका कैपिटल क्यू प्लस का. इसका माइनस चार्ज लिया राइट. तो इसका अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो कितना है प्लस सिग्मा. अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो कितना है माइनस सिग्मा. ठीक है. इस प्लेट का अगर मैं एरिया की बात करूं तो लेट्स से इस प्लेट का एरिया ए एज्यूम कर लेते हैं.
सेम प्लेट्स हैं तो उसका भी एरिया ए होगा। अब ये प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर, राइट, वी आर स्टडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसका देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। आपके पास तीन रीजन है, इधर ये सेकेंड रीजन हो गया और ये थर्ड रीजन हो गया, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ई कितना होता है एक सरफेस की वजह से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इतना होगा और इसकी वजह से भी इतना होगा। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, ये रहा, और इधर भी होगा, ठीक है। तो एक साइड पर कितना हो जाएगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड होना है तो एक साइड का कितना हो जाएगा, हाफ, हाफ ऑफ टोटल। एग्जैक्ट डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों ही पार्ट के लिए, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री के लिए। वैल्यूज तो सबकी यही होगी, इसका जो है हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा, इसका जो है हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा। अब देखते हैं कैसे इनका नेचर रहता है। माइनस वाली प्लेट की वजह से इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, माइनस वाली की तरफ से क्या होता है, इनवर्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, राइट, ई ड्यू टू माइनस क्यू। पॉजिटिव की वजह से कैसा होता है, आउटवर्ड, तो पॉजिटिव की वजह से इस फील्ड पे कितना हो जाएगा, आउटवर्ड, ई ड्यू टू प्लस क्यू। इधर की बात करते हैं, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, ई ड्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, ई ड्यू टू माइनस क्यू। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, ई प्लस क्यू, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, ई ड्यू टू माइनस क्यू। अगर आप इन तीनों रीजंस में देखेंगे तो ये सेम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, सेम वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन में है ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, सिर्फ प्लेट्स के बीच में, राइट, ना प्लेट के राइट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ना ही प्लेट के लेफ्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा कैपेसिटर के लिए वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थर्ड पार्ट इक्वल्स टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सेकेंड पार्ट के लिए एग्जिस्ट करेगा जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू प्लस ई ऑफ माइनस क्यू, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, और आपका ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है पैरेलल प्लेट्स की वजह से जो कि चार्ज्ड है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारे पास, व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वी इक्वल्स टू ई डी, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, ई तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी आर इज अ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आएगी, तो वी कितना हो गया, ई इंटू डी। यहां से ई की आपका ई की वैल्यू आपको पता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो वी कितना हो गया, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा हमने बताया था चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया है, यही बताया था। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज इतना। लेट्स पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला ऑफ सी, सी कितना था, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी था, तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी की जगह पे ये वैल्यू डाल रहे हैं, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, q से q कैंसिल, c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, फाइनल रिजल्ट।
कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, लेट्स रिवाइज दिस. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, एक को चार्ज प्लस क्यू दिया, एक को माइनस क्यू दिया. डी डिस्टेंस पे वो रखी हुई हैं. पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. हमारे पास थ्री रीजंस थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. हमने उसके डायरेक्शंस ड्रॉ करके देखा कि फर्स्ट और थर्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बिकॉज पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सेकेंड पार्ट में होगा. दोनों ऐड होंगे, दोनों के वैल्यू को ऐड करके हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल, क्योंकि हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है कि पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. उसके बाद हमने सिग्मा की वैल्यू रखी. वी नो दैट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और उस पोटेंशियल के वैल्यू को हमने कैपेसिटेंस जो हमने बाय डेफिनेशन निकाला था उसमें पुट किया, और हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पे डिपेंड करता है प्लेट के और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअली क्यू या वी पे डिपेंड नहीं करता. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखना है आपको ये. वी हैव डन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर. अगर हम इस कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, अभी तक तो क्या था, वैक्यूम था. अब अगर हम वैक्यूम की जगह इसमें डाइलेक्ट्रिक सैंडविच कर दें, ये हमने एक मीडियम डाल दिया है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मीडियम, तो लेट्स से क्या होगा, ये जो कैपेसिटेंस है ये किस तरीके से चेंज होगा. Let us calculate that. Effect of dielectric on capacitance, right? अभी हमने जो इनिशियली पॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है. यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ड्यू टू दीज प्लेट्स, राइट. अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ई डैश, राइट, जो इसको रिड्यूस करेगी. तो हम ये मानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस सी नॉट था, पोटेंशियल वी नॉट था और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था. ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक वाज नॉट प्रेजेंट, तो ये हमने नॉट से मान लिया. व्हेन वी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, तो अब होगा क्या, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम होगा. हमने अभी पढ़ा था पिछले पॉइंट में कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है. ये अपोजिट डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिड्यूस हो जाता है. इफ के इज ग्रेटर देन वन तो E is less than E naught. अगर आप एक बड़े नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली E जो है वो छोटा है आपका. ठीक है, नया E ये आया तो नया V कितना आएगा, V equals to ED, V equals to ED, यानी कि E naught K D, ये आपका नया V आया है. नए अब आप नए V से नया C निकालेंगे, C equals to Q by V, right? तो यहाँ पे आप रखेंगे Q, V की जगह पे क्या रखेंगे आप, epsilon not A, E equals to
ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए नहीं अभी के एंड डी। अब इसमें सिग्मा नॉट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय ए, क्यू बाय ए इंटू डी पुट करते हैं इसको V की जगह पे, तो आएगा Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ए के, Q से Q कैंसिल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू के। दिस वैल्यू इज C नॉट, ये पुराना कैपेसिटेंस है, तो नया कैपेसिटेंस इक्वल्स टू C नॉट इंटू के, वेयर K इज ग्रेटर देन 1, यानी कि नया कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा, C ग्रेटर देन C नॉट। लेट अस समराइज दिस, हमने माना कि जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस C नॉट था, पोटेंशियल V नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था। जब हमने डायलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया तो नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E equals to E naught upon K where K is greater than 1। अगर आप एक बड़े नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक छोटा नंबर उससे मिलेगा। V कितना होता है, E into D, तो नया वाला V कितना आया, नया वाला E रखने के बाद, नए वाले की वैल्यू E naught upon K है, उसको पुट किया हमने, E naught की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, उसको पुट किया हमने, सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी होती है, क्यू बाय ए, उसको पुट किया हमने। इस पूरे वी को उठा करके हमने सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी के फॉर्मूले में डाला, क्यू से क्यू कैंसिल और हमारे पास नया कैपेसिटेंस आया। नए कैपेसिटेंस में एक टर्म वो है जो पुराने कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, सी नॉट वैल्यू पुट कर दी हमने। तो पुराने कैपेसिटेंस और नए कैपेसिटेंस में जो रिलेशन आया है वो क्या आया है, सी इक्वल्स टू सी नॉट इंटू के वेयर के इज ग्रेटर देन 1। अगर आप 1 से बड़े किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये नया कैपेसिटेंस जो आपका है ये ज्यादा है पुराने से, लाइक से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, के की जो भी वैल्यू होगी ये आपका उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ही आएगा। तो रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन introducing a dielectric between the plates, right? ये आपका result है। अगर आप एक dielectric को introduce कर रहे हैं तो आपका capacitance बढ़ जाएगा। Next, combination of capacitor। अगर आप एक सिस्टम में एक से ज्यादा कैपेसिटर लगा रहे हैं तो यू हैव वेरियस चॉइसेस कि आप उनको सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल लगाएं, तो आप उस सिस्टम का नेट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी दिस। पहले कैपेसिटर का जो सिंबल है वो ये है, रिप्रेजेंट जो हम करेंगे उसको वो सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट जो है वो फैराड है और प्रैक्टिकली हम उसको माइक्रो फैराड या फिर मिली फैराड इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट्स से दो कैपेसिटेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे। सीरीज का क्या मतलब होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होना। पहले कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट्स से इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, लेट से इसका वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज V2 है। चार्जेस कैसे होते हैं सीरीज में, सेम बिकॉज करंट सेम होता है, तो इसका चार्ज अगर Q है तो इसका चार्ज भी Q ही होगा।
अब नेट वोल्टेज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू. वी इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला था सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, वहां से वी कितना हो जाएगा क्यू बाय सी, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाय सी इज इक्वल्स टू क्यू वन बाय सी वन प्लस क्यू टू बाय सी टू. राइट, क्यू वन का वैल्यू कितना है क्यू, क्यू टू का कितना है क्यू, दोनों की जगह क्यू पुट कर दिया. क्यू कैन बी टेकन एज कॉमन, तो दोनों के पास क्यू है तो यहां से क्यू ले लिया कॉमन, क्यू से क्यू कैंसिल, तो वन बाय सी नेट यहां से वन बाय सी इक्विवेलेंट बोलिए, सी नेट बोलिए, सी सिस्टम बोलिए, पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल आया है वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू के. राइट, क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी आपके पास सीरीज में कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड हैं तो वो कितने भी सारे कैपेसिटेंसेस हों आपको सिंपली क्या करना है उनको फ्रैक्शंस में ऐड करना है. लेट सपोज एन कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो सी इक्विवेलेंट विल बी वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री एंड सो ऑन अप टू वन अपॉन सी एन. दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, लेट्स मूव टू पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके कैपेसिटर्स जो लगे होंगे वो पैरेलली अरेंज्ड होंगे. ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है किसी सिस्टम के साथ C1, C2. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो इनका वोल्टेज कितना होगा सेम. चार्ज अलग अलग होता है, लेट्स से Q2 एंड Q1. टोटल चार्ज कितना होगा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, C इक्वल्स टू Q बाय V. Q कितना होता है C इंटू V. तो यहाँ पे ये हम टोटल Q कर रहे हैं ना, Q नेट या Q इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब पूरे सर्किट को अगर एज अ होल देखा जाए तो Q इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू वी वन सी वन प्लस वी टू सी टू. अगेन V तो सेम है तो V1 की जगह V आएगा, V2 की जगह भी V आएगा, V कॉमन ले लेंगे. C1 प्लस C2, V से V कैंसिल, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना आया है C1 प्लस C2. राइट, ये पैरेलल के लिए आपका कॉम्बिनेशन हो गया है. आपके पास अगर n कैपेसिटर भी पैरेलल में लगे हुए हैं तो अगेन रिजल्ट सेम रहेगा आपका. समराइज कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं इस रिजल्ट को. सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर n कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो यू हैव दिस रिजल्ट. न्यूमेरिकल करेंगे हम इस टॉपिक पे. आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका बताते हैं कि कैसे आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है. आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल जो आएंगे उसमें कुछ इस तरीके के पार्ट्स होंगे. जैसे आपका सिस्टम होगा उसमें कैपेसिटर्स लगे होंगे, लेट सपोज 10 माइक्रोफेराड, देन 20 माइक्रोफेराड, then let's say they are in series with 30 microfarad. और यहाँ पर आपका अदर कोई सिस्टम होगा और आपको इसको सॉल्व करना अगर होगा तो इसके बीच में लेट्स से सबसे पहले ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो वो कैसे निकलेगा, दोनों पैरेलल में है
पैरेलल का क्या रूल है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, यानी कि इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस किया जा सकता है एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से जिसकी वैल्यू होगी इन दोनों कैपेसिटेंसेस के एडिशन के बराबर, 10 + 20 = 30. सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज थर्टी माइक्रोफेराइड. नाउ दिस सिस्टम इज इन सीरीज, सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/C1 + 1/C2, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट = 1/30 + 1/30 विच इज 2/30. सी इक्विवेलेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 30/2 विच इज 15 microfarad. हेंस द सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ 15 microfarad. जहां आपको तीन कैपेसिटर्स यूज करने थे वहां आप सिंगल कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑफ 15 microfarad. ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपने इसको कैलकुलेट किया कि सीरीज में है या पैरेलल में है. नाउ लास्ट टॉपिक फॉर कैपेसिटर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वट इज एनर्जी स्टोर, जितना कोई वर्क करता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. एनर्जी किसी भी कैपेसिटर में उतनी ही स्टोर होगी जितना वर्क डन होगा. लेट्स से हमारे पास कैपेसिटर के कौन कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, सी क्यू वी, ये तीन चीजें हैं जिनके टर्म्स में हम इन्हें डिफाइन करते हैं. उसी से हमें रिलेट करना है वर्क को. हमने डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू वोल्टेज, राइट, ये डिफाइन किया था हमने. इसको हम ले लेते हैं, अ स्मॉल वर्क इज डन व्हेन अ स्मॉल चार्ज इज मूव्ड एंड दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज. नाउ अगर मुझे कंप्लीट वर्क निकालना है तो वो होगा वी इंटू डी क्यू. इंटीग्रेशन करेंगे आप दोनों तरफ तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, वी की वैल्यू कितनी है, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, वी इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी. तो वी की जगह पर रख देते हैं क्यू बाय सी डी क्यू. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से पूरा चार्ज करने तक का काम निकालना, जब कंडक्टर चार्ज नहीं था और जब वो पूरा चार्ज हो गया तब तक का वर्क निकालना है. सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू 1/C इंटीग्रेशन 0 to Q Q dQ. तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, 1/C क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to Q. लिमिट्स पुट करेंगे तो कितना आएगा वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2C. हमारा एक फॉर्मूला आ गया है, ठीक है. अब इसको आप इन फॉर्मूलोज को यूज करके अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि क्यू इक्वल्स टू हाउ मच इस इक्वेशन से, ठीक है, क्यू इक्वल्स टू सी वी है, तो अगर क्यू की जगह पे आप सी वी रखेंगे तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2C, एक सी से एक सी कैंसिल, तो वर्क डन कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर. अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी, इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं. ये आपका हो गया है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी. सबसे ज्यादा आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कैपेसिटर और वोल्टेज के टर्म्स में वर्क डन निकालना कैपेसिटर का.
अब इसके बाद इस चैप्टर में हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन दी ग्राफ जनरेटर, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.